नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से जुड़े व्यापारियों ने गुरुवार को नगर निगम जाकर अपनी समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र उनके समाधान की मांग की। मथुरा नगर में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले व्यापारियों का एक दल जनरलगंज स्थित मथुरा वृंदावन नगर निगम के कार्यालय जाकर नगर आयुक्त से मिला और उन्होंने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष रमेश चतुर्वेदी ने बताया कि झंडा चौराहा से कच्ची सड़क पर इंटरलॉकिंग सड़क को नगर निगम ने नव निर्माण करने के लिए खोदकर पटक दिया है और अभी तक ना तो कोई सड़क बनी है और ना ही उसे ठीक किया गया है। इससे व्यापारियों का त्योहार के समय व्यापार चौपट हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भैंस बहोरा रोड पर तत्काल नाले की सफाई कराई जाए और नाले को स्लीपर डालकर ढका जाए। नगर अध्यक्ष रमेश चतुर्वेदी ने कहा कि उन्होंने अपनी समस्याओं से नगर निगम को अवगत करा दिया है। यदि शीघ्र उनकी समस्याएं हल नहीं हुई तो फिर व्यापारी दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। देखिए, वैसे तो समस्याएं नगर निगम से तो ढेरों समस्याएं हैं, लेकिन आज मुख्य रूप से जो समस्या थी वो कच्ची सड़क शागन दरवाजा पर जो रोड है, मेन रोड जो है, उसको करीब महीने भर से खोद के डाल दिया है और उसके बाद में कुछ भी नहीं किया गया। जनजीवन त्रस्त है बुरी तरह से, व्यापार समाप्त हो रहा है उस क्षेत्र का। तो मुख्य तो ये थी। इसके अलावा भी हमारी कई, जैसे 1.5 महीने पहले हमने ज्ञापन दिया था कि ये भैंस बगोरा की साइड में जो नाला है, बहुत चौड़ा नाला है, उसको ढकने की व्यवस्था थी। ये सारी कहे हम सब देते हैं, सुनते हैं, कुछ नहीं है। अब ये है कि भाई आज उनसे मिलने आए हैं, टाइम लेकर के मिलने आए थे, लेकिन कमिश्नर के द्वारा मीटिंग कोई बुला ली गई है, उसमें गए हैं तो कौन से बात हो गई। आश्वासन तो दे रहे हैं, जन्माष्टमी पहले कुछ ठीक करा दें। आश्वासन मिलते हैं और इनके पास है क्या? आश्वासन ही देंगे, जब पूरा हो जाए तो हम मान लेते हैं कि हाँ पूरा हो रहा है। हमें वैसे उम्मीद हम ये करते हैं, जब व्यापार मंडल ने इस विषय को उठाया है तो निश्चित तौर पर काम तो इनको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर इनको दूसरे तरीके से निपटेंगे। अभी तो अपनी बात कह रहे हैं, ये दूसरी तरह से निपटना आता है हम पर। अधिकारी को यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा।